सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लिबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा वो बेस्ट वे है जिससे आप अपना कवर लेटर लिख सकते हैं शेंगन वीज़ा के लिए। एक सही तरीका क्या होता है एक कवर लेटर लिखने का वो भी शेंगन वीज़ा के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसी क्वेरीज होती है जिनको शेंगन वीज़ा का कवर लेटर के लिए क्वेरीज रहती है कि कवर लेटर कैसे लिखे। और कमेंट में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे हम कवर लेटर लिखें कि जिससे वीज़ा के चांस जो है वो अच्छे हो जाए। काफ़ी लोगों का ये मानना भी होता है, ये भी लोग मिसगाइड करते हैं कि काफ़ी यूट्यूब पे भी और वैसे भी, कि कवर लेटर से ही वीज़ा निकलता है। भैया, कवर लेटर से ही वीज़ा नहीं निकलता है, कवर लेटर आपकी हेल्प करता है वीज़ा लेने में। यदि आपकी फ़ाइल अच्छी है तो कवर लेटर भी अच्छा हो तो वीज़ा निकल सकता है, बट यदि आपकी फ़ाइल वीक है तो आप कैसा भी कवर लेटर लिख ले, जितना मर्जी आप कन्वेंस कर ले वीज़ा ऑफिसर को, वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ यही चाहिए कि आपके पास रीज़न क्या है कि आप वापस अपनी कंट्री में आएंगे। यदि आपने ये प्रूफ कर दिया बस कि आप इंडिया वापस आने वाले हैं तो देन आपका वीज़ा निकल जाएगा, चाहे आप कवर लेटर बिल्कुल भी वीक लगा दें तब भी वीज़ा निकल जाएगा। बट आपके डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं कि आप इंडिया वापस आने ही नहीं वाले, तो आप जितना मर्जी अच्छा कवर लेटर लिख लो आपका वीज़ा नहीं आएगा। और यदि आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल है, मीडियम है, जिससे लग रहा है कि आप इंडिया वापस आ सकते हो, उस केस में कवर लेटर आपकी हेल्प कर देता है कि एक अच्छा कवर लेटर आपने लिखा हो तो वीज़ा ऑफिसर को वो कन्विंस कर सकता है कि आपके पास क्या क्या रीज़न है इंडिया आने के, तो आप इंडिया आओगे, तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर जो है आपका वीज़ा इशू कर देता है। तो क्योंकि ये भी काफ़ी लोग मिसगाइड करते हैं कि हम जी कवर लेटर बहुत बढ़िया लिख के देंगे जिससे आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, और लोगों को लगता है कि हाँ हमने कवर लेटर बहुत अच्छा लिखा लेकिन फिर भी वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा नहीं दिया, तो वो होता है कि आपकी फ़ाइल का ओवरऑल जो थी वो कैसी थी। अब ओवरऑल प्रोफाइल में बहुत चीज़ें होती हैं, ये सब पार्ट आपका कवर लेटर का ही है। देखो, कवर लेटर में कुछ नहीं है, सिंपल है कि जस्ट सबसे पहले आप एड्रेस करोगे वीज़ा ऑफिसर को जो इस भी वो कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे टू द वीज़ा ऑफिसर स्विट्जरलैंड एम्बेसी। बस यदि आप फ्रांस में कर रहे हो तो वहाँ पे फ्रांस एम्बेसी हो जाएगी, सिमिलर है, सेम है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि स्विट्जरलैंड के लिए हमने कुछ अलग तरीके से करना है, फ्रांस के लिए अलग तरीके से करना है, कनाडा के लिए अलग तरीके से करना है, ये सिंपल ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, उसमें डेट भी साथ में आप पहले लिखते हैं किस डेट को आप जो है कवर लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन में आपने लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा, फॉर फैमिली है या सिंगल है, तो ये सिंपल है, उसमें पासपोर्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है, एक तरीका है, इसको कोई किसी भी तरीके से लिख सकता है, बट एक सब्जेक्ट लाइन आपने लिखते नहीं। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि आई एम आपका नाम आ जाएगा, सो एंड सो आपका पासपोर्ट नंबर ये है, उसकी एक्सपायरी डेट आप लिख दें, साथ में एक्सपायरी डेट नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा बट पासपोर्ट नंबर ज़रूर लिख के। देन उसके बाद आप अपनी इंट्रोडक्शन और भी दे सकते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए जो है अपना वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप ट्रैवल करेंगे और इसका खर्चा कौन करने वाला है। फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना लिख दें। सेकेंड पैराग्राफ आप स्टार्ट करें अपने वर्क के बारे में या फिर अपने ट्रैवल पर्पज़ के बारे में, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। वर्क के बारे में लिख रहे हो तो अपने काम को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपकी कंपनी कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं, या फिर आप यदि बिजनेसमैन हैं तो कौन सी कंपनी रन करते हैं और आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और आप क्या सैलरी ले रहे हैं, क्या आपकी एनुअल इनकम आ रही है बिजनेस से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। पर्पस ऑफ ट्रैवल जो आएगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आप जिस लोकेशन को विज़िट करने जा रहे हैं उनको विज़िट करने का क्या रीज़न है, किस किस लोकेशन को आपने चूज़ किया, आपको जस्ट ब्रीफ करना है, डिटेल्स नहीं देनी है। डिटेल्स आप आइटनरी में लगाएं, आइटनरी और कवर लेटर को मिक्सअप ना करें, आइटनरी एक डिफरेंट लगाएं, आप जस्ट उसमें ब्रीफ करें कि ये लोकेशन है, यहाँ पे मैंने घूमना है, ये मैंने लोकेशन स्पॉट की है, इनको रीज़न क्या है चूज़ करने का वो आप जो उसमें मेंशन कर सकते हैं, और साथ में आपका जो भी पर्पस है उसे थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं।
आपका ड्रीम था ये कंट्री घूमने का, या आप अपनी वाइफ को लेके जाना चाहते थे, आपने कोई कमिटमेंट करी है अपनी वाइफ या बच्चों को एक अच्छी कंट्री में घुमाने की, और वहाँ पे जो हमने लोकेशन चूज़ करी है वो किसी और कंट्री में हमें नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिल रही थी तो इसलिए हमने शेंगन में ये कंट्री चूज़ करी है, और ये सब चीज़ें जब आप ट्रैवल पर्पस में लिखेंगे तो वीज़ा अफसर वहाँ से कन्विंस हो सकता है कि आपका एक स्पेसिफिक रीज़न है ये कंट्री चूज़ करने का, तो भी आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा या आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया, तीन पैराग्राफ आपके रेडी हैं। फोर्थ पार्ट में आप अपना अफोर्ड कैसे करने वाले हैं, आपके पास फंड्स कैसे हैं, आप जस्ट उसको वहाँ पे लिख दें, इससे ज़्यादा आप उसमें एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं अपनी पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो सारी लिखने लग जाते हैं, इस डेट को यहाँ से ये पेमेंट आई, इस डेट को यहाँ से आई, वो चीज़ आप लिख सकते हैं यूके में। यूके में आप लिख देते हैं तो अलग चीज़ है, यदि उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है तब, अदरवाइज वो ना लिखें। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से लिख के करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, जस्ट आपके पास कितने फंड अवेलेबल हैं और कितना आपकी कॉस्ट आने वाली है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं और वो फंड्स आपके हैं, बस इतना उसमें एक्सप्लेन कर दें, ओके, दैट्स इज़ ओके, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट आपकी जो चीज़ आती है वो आता है आपकी फैमिली टाइज, कि फैमिली टाइज के बारे में आप लिखें कि फैमिली टाइज आपके क्या क्या हैं और आप क्यों वापस आएंगे, कौन कौन है आपकी फैमिली में, यदि बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो फैमिली टाइज में पीछे कोई नहीं है, तो अपने पेरेंट्स के बारे में लिख दें, अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में लिख दें, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख दें, कल्चर के बारे में लिख लें, तो एक रीज़न हो जाएगा आपका होम कंट्री में वापस आने का, क्योंकि वीज़ा अफसर को यही चाहिए। जब आप ये प्रूव कर देंगे ना कि हम वापस अपनी कंट्री में आने वाले हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हर एम्बेसी को सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप उनको प्रूव करें कि आप इंडिया वापस आएंगे, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप रह रहे हैं दुबई में, तो आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास दुबई वापस आने के भी रीज़न है और इंडिया जाने के भी रीज़न है। बस आपने ये प्रूफ कर दिया तो बस आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो फैमिली टाइज, आपके होम टाइज, इनको आप कंबाइन कर दें, उसके बाद एक सिंपल आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करें वीज़ा अफसर को कि आपने ये सब जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, डॉक्यूमेंट ये सबमिट करे हैं हमने कंप्लीट, आप डॉक्यूमेंट लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन डॉक्यूमेंट को आप लिख दें और उसके बाद आप इस चीज़ को जो है आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप एक वीज़ा के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, कहीं ऐसा नहीं कि आप लिख सकते कि प्लीज़ ग्रांट मी वीज़ा कि मैं इंडिया वापस आऊँगा या आऊँगा और मेरे पास मुझे घूमने जाना है, मेरे पास इतना फंड है तो मेरे पास रुकने का कोई रीज़न नहीं है, इतना नहीं लिखना है, जस्ट सिंपल एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करके या बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से भी वीज़ा अफसर को डाउट होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं ये वीज़ा के लिए। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी जो एक सिंपल रिक्वेस्ट होती है, जो एक जेंटल रिक्वेस्ट लगे, तो उस तरीके से आप लिख के लास्ट में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, बस इतना लिख के उसे रैप अप कर दे, ये आपका कवर लेटर है, उसमें अपना साइन एंड स्टैंप लगा दें। स्टैंप लगेगी यदि आप बिजनेस होल्डर हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो अपने लेटर हेड पर लिख के उसकी स्टैंप लगाएं, और यदि आप जॉब करते हैं या फार्मिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वाइट पेपर पर उसे निकाल के अपने साइन कर दें। तो ये एक फॉर्मेट है कवर लेटर का, इसमें बहुत बड़ा हवा नहीं है कि कोई कहे कि बहुत ये चीज़ें डालनी है, ये एक्सप्लेन करना है तब वीज़ा आएगा अदरवाइज़ नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंपल एक एक पेज के कवर लेटर पे वीज़ा आते हैं, हम देखते हैं क्योंकि प्रोफाइल में, कई प्रोफाइल्स में नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत, तो वो फाइल्स में हमने एक एक पेज के कवर लेटर लिख के भी वीज़ाज लिए। मैंने खुद अपने जो वीज़ाज शेंगन के या अदर कंट्रीज़ के लिए, तो एक एक पेज के कवर लेटर लिख के भी वीज़ाज लिए हैं, तो बड़े नॉर्मली वीज़ाज आते हैं, ऐसा नहीं होता। वीज़ा अप्रूव करने से पहले वीज़ा अफसर आपकी पूरी फाइल देखता है, ओनली कवर लेटर नहीं पढ़ता है। तो पूरी फाइल देखी जानी है, प्रोफाइल अच्छी है, आपने सही तरीके से उसे कन्विंस कर दिया, अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल दे दिया, जस्ट दैट्स इट, आपका वीज़ा निकल जाएगा, वीज़ा आ सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कवर लेटर के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।